सैकड़ों सालों से जाति की ऊंच नीच में समाज फंसा हुआ है। खासकर अगर जाति की बात की जाए तो दलितों का जिक्र तो सबसे पहले होता है, जो जाति के जंजाल से मुक्त होने की चाह रखते हैं और इस चाह में हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्यों दलित हिंदू धर्म छोड़ते हैं, किस हालात पर आकर उन्हें धर्म बदलने की जरूरत पड़ती है। सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, बात करेंगे सिचुएशंस की। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महू में एक दलित हिंदू परिवार में पैदा हुए और हिंदू धर्म में दलितों के साथ जो भेदभाव और छुआछूत का भाव था उससे वो काफ़ी दुखी रहते और जिसके अगेंस्ट, इन भावों के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते रहे। उन्होंने कई कई तरह के कदम भी उठाए। आखिर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। आखिर कौन सा ऐसा सिचुएशन आ जाता होगा कि ऐसी नौबत आन पड़ती होगी कि धर्म परिवर्तन तक करना पड़ जाता होगा। शायद होता ये होगा कि हिंदू समाज में बराबरी का हक न मिलने पर दलित अक्सर टूटे मन से धर्म बदल लेते होंगे। जब जब अंबेडकर जयंती आता है तो हर साल ही लाखों लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो नव बौद्ध वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के काफ़ी सारे दलित खुद को बौद्ध धर्म से जुड़ाव स्थापित करने में लगे हुए हैं, और ऐसा करने के पीछे कई कई वजह सामने आ सकते हैं, कई कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत जैसे बहुत ही अजीब तरह के जो ये सिचुएशंस पैदा होते हैं उनसे धर्म परिवर्तन करने का डिसीजन लिया जाता होगा। ऐसा काफ़ी कम होता है कि विचार दर्शन में आए बदलाव की वजह से कोई अपने धर्म को छोड़ता है या किसी दूसरे धर्म को धारण करता हो। जानकारों के मुताबिक धार्मिक व्यवस्था में चेंजेस लाए बिना बस लीगली सामाजिक या धार्मिक लेवल पर दलित उत्पीड़न का खात्मा किया नहीं जा सकता है, ऐसा जानकार मानते हैं। दलित उत्थान में हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ही सबसे बड़ी रुकावट है। जागरूक दलितों को शायद ऐसा लगने लगा है कि हिंदू धर्म को छोड़ देना ही सही ऑप्शन है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो दलितों का सबसे बड़ा वोट बैंक होने से ज़्यादा ये जो दलित वर्ग है वो और कुछ नहीं। कुछ तो वोट बैंक की दलाली करने लगते हैं तो कुछ दलित अपने आत्मसम्मान के लिए पीड़ा झेलते रहते हैं और आखिर में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। एक अनुमान कहता है कि बौद्ध धर्म के लोगों की देश में कुल जनसंख्या जो है वो 0.84 करोड़ है। इनमें ज़्यादातर तो नव बौद्ध यानी कि हिंदू धर्म से बौद्ध बने लोग हैं। अकेले वहाँ करीब करीब 60 लाख बौद्ध हैं जिन पर अंबेडकर का खास असर है। और तो और देश के बाकी राज्यों में भी हिंदू कर्मकांडों को लाखों लोगों ने छोड़ दिया, हिंदू धर्म को लाखों लोगों ने छोड़ दिया। वैसे हिंदू से बौद्ध बने दलितों की शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर अगर नज़र डालें, अगर गौर करें तो पहले से अच्छा पाया जाता है। हालांकि आंतरिक तरीके से, आंतरिक जो इंटरनल जो चीज़ें हैं अगर उनको देखा जाए तो इन धर्म बदल चुके लोगों की स्थिति कैसी है ये जान पाना एक अलग विषय है। कि अगर इंटरनली उनके घर, उनके एरिया को देखा जाए तो क्या धर्म बदलने से कुछ चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में कि नहीं, ये एक अलग विषय है जांच का, ये एक अलग विषय है समझने की। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि कभी दलितों के साथ तो कभी समाज की महिलाओं के साथ किसी न किसी बात को जरिया बनाकर हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता रहा है। अगर यही चलता रहा तो इसके परिणाम काफ़ी अलग तरह के हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक दें। हमारे साथ बने रहें।